बदलापुर में लोगों ने पहले स्कूल पर अपना गुस्सा उतारा, स्कूल में तोड़फोड़ की और फिर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें रेलवे पुलिस के 7 से 8 जवान घायल हुए। क्या कुछ हुआ बदलापुर में, आक्रोश कैसे भड़का आपके सामने है। देखिए, अभी 300 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, 72 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल जो संघर्ष हुआ था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, उसमें 8 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। अभी के ताजा हालात ये हैं कि हालात पर काबू तो पा लिया गया है, हालात सामान्य जरूर हो गए हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा को बहाल नहीं किया गया है। इंटरनेट सेवा बंद रहेगी ताकि कोई अफवाह ना फैला सके और एक बार फिर भीड़ सड़कों पर इकट्ठा ना हो जाए। अभी के ताजा हालात क्या हैं, स्कूल में कैसे, स्कूल की इस घटना के बाद अभी हालात सामान्य और सन्नाटा पसरा हुआ है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी साकेत राय की एक रिपोर्ट। बीते दिनों बदलापुर में आपने देखा कि जिस तरह से दो नाबालिग बच्चों के साथ लैंगिक शोषण का मामला सामने आया और उसमें अक्षय शिंदे नाम के स्कूल के ही एक क्लीनर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में बदलापुर में जिस तरह से कल हिंसा आक्रामक हुई, जिस तरह से लोग आक्रामक हुए, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भी आपने देखा कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। अब आज परिस्थिति क्या है, यही हम दिखाने के लिए आपको सीधा उस स्कूल पर ले आए हैं। ये वही स्कूल है, आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊँ, जहाँ पर वो दोनों बच्चियाँ पढ़ती थी, माध्यमिक प्राथमिक स्कूल। इस वक्त आप इस स्कूल की अगर तस्वीरें देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पूरा पूरा इलाका फिलहाल बंद कर दिया गया है, ये गेट के अंदर या गेट के बाहर फिलहाल पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई भी अंदर ना आ पाए। दूसरी तरफ ये जो प्रांगण है उसके दूसरी तरफ कॉलेज का हिस्सा है और वो दूसरे स्कूल का हिस्सा है, पर फिलहाल हम आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलते हैं। आप देखिए कल जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, उसके बाद जो यहाँ की खिड़कियाँ हैं, जो गेट हैं, उन सभी पे तोड़फोड़ की गई है, अंदर के भी हिस्सों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाई गई है। अब इसके पीछे कारण यह है कि जिस तरह से कल भीड़ बदलापुर में उग्र हुई, उसके बाद यहाँ पे परिस्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से खराब हो चली थी। फिलहाल पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है और आपको बताएं कि पूरे बदलापुर में इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इस बात की समीक्षा की जा रही है कि कहीं से भी कोई भी गलत प्रकार की न्यूज़ ना फैले और यही कारण है कि आप देखिए फिलहाल ये जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये टूटे हुए हैं, लेकिन कल की घटना के बाद आज बड़ा पुलिस बंदोबस्त बदलापुर में डिप्लॉय किया गया है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में कल जैसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई थी, अब आज फिर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न न हो।